नमोस्तु महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार के द्वारा नमोस्तु महाराज जी। मैं थोड़ा सा भावना योग के बारे में बताना चाहती, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। महाराज जी, मेरे हाथ में, राइट हैंड में बहुत ज़्यादा दर्द था, मतलब फ्यूजर शोल्डर हो गया था मेरा। डॉक्टर ने बोल दिया था कि मतलब इसको आपको बहुत ज़्यादा उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। लेकिन एक दिन मैं टीवी में बैठकर आपका प्रोग्राम देख रही थी, आपने बताया महाराज श्री कि मेरे हाथ में बहुत दर्द था और मेरा हाथ बहुत पतला हो गया था, और मैंने 2-3 महीने में भावना योग से अपना हाथ बिल्कुल ठीक कर लिया है। तो महाराज जी, वही मैंने भावना योग ना पहले देखा था ना कभी सुना था, सिर्फ उसी दिन आपका इतना सा प्रवचन मैंने सुना था, तो उसी को मेरे को मतलब जितना भावना योग आता था मैंने उसी से कर करके अपना पूरा हाथ आज ठीक कर लिया है महाराज जी। यहाँ एक बहन कटनी की है क्या उपस्थित? इसके बाद एक मिनट, हाँ देखो इनको थोड़ा माइक दो, आप अपना एक्सपीरियंस बोलो भैया, इसको रिकॉर्ड बोलो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं भी 2 महीने से भावना योग कर रही हूँ। मुझको कैंसर हो गया था, पर वो आप उसमें इतनी अधिक तरक्की हो गई है कि हम खुद अपने आप में कुछ भी नहीं कह सकते। ये बहन कटनी से है, कैंसर से पीड़ित है और 2 माह से लगातार भावना योग कर रही है और इनकी रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है। ऐसे एक नहीं, अनेक हैं। भावना योग तन को स्वस्थ, मन को मस्त और आत्मा को प्रशस्त बनाने की प्रक्रिया है। बहुत अनूठी प्रक्रिया है, आप इससे जुड़े, इसका लाभ लें। बहुत सारे लोग पिछले दिनों के भावना योग के शिविरों में भागीदारी लिए हैं और टीवी के माध्यम से भी भावना योग कर रहे हैं, भोपाल के भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। यहाँ हमारी अनुकूलता न रहने के कारण अभी तक हमने उसे किया नहीं, पर ये यहाँ अब निमित्त बना है। पहले मैं चाहता हूँ प्रशिक्षकों को ये लाभ मिले और इसे जन जन तक फैलाना चाहिए। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका लाभ पूरी दुनिया के लोग उठा सकते हैं और अपना जीवन स्वस्थ और सकारात्मक बना सकते हैं।